सोच रहे हैं जनक जी कि सारे राजाओं को जहां जहां बिठाऊंगा, लेकिन मैं राजकुमारों को राजाओं की पंक्ति में बैठा नहीं सकता, तो मैं राम लखन को कहां बैठाऊंगा? तुम भी विचार करते हो ना कहां बैठाया जाना चाहिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशा, मुनि समेत दो बंधु ताहां बैठा रे महिमा। मुझे सब राजाओं से ऊपर बैठाना, तो गुरु जी को ऊपर बैठा दिया, तो गुरु जी ऊपर बैठेंगे तो चेले भी तो बगल में बैठेंगे, जैसे सत्यशील बैठे हैं मेरे बगल में, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करूंगी। बड़ी प्यारी कथा है, बहुत सारे राजा उठकर आए नहीं धनुष के सामने, और बहुत सारे बंदियों ने जब ये कहा कि भाई, जनक जी ने कहा कि बंदियों जरा महिमा गा दो, सब राजाओं को बुलाओ, तो बंदियों ने विचित्र महिमा गाई। उन्होंने कहा कि देखो ये वो धनुष है जो बड़ों बड़ों से उठा नहीं, सहस्त्रबाहु से नहीं उठा, रावण से नहीं उठा, क्योंकि बंदी भी नहीं चाहते कोई दूसरा राजा धनुष तोड़े, सब चाहते हैं राम जी के साथ ही हमारी जानकी का विवाह होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे थे जिनको अपने बल पे बड़ा भारी भरोसा था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी धनुष हिलता नहीं, बड़ा भारी है शंकर जी का धनुष। बाद में जब जनक जी हताश हो गए, उन्होंने कहा कि वीरों से ये पृथ्वी खाली हो गई है, सारे सारे राजा यहाँ कोई भी आशा मत रखो, अपने अपने घर पहुंचो, तो जो लखन को जो चढ़ा जोश, उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं, अरे मैं तो ऐसे धनुष तमाम तोड़ता हूं, न जाने कितनी धनुरियां हमने तोड़ डाली, मैं तो इस पूरी पृथ्वी को कच्चा घड़ा मान दूं और उसको उठा के फोड़ दूं। भगवान ने देखा, अरे लखन कितने जोश में आ गए, इशारा किया बैठ जाओ, शांत रहो, क्या हुआ, मेरे रघुकुल मणि हैं भगवान, वो यहां विराजे हैं, और मैं फणी हूं शेषावतार, और मणि के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो फिर मेरा फण फुंकार उठता है, शेषावतार लखन जी ने कहा। भगवान ने इशारा करके धीरे से बैठाया, और जब हताश हो गए, तब जब जनक हताश हो गए, तब गुरुदेव ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उठहुं राम भंजव भव चापा, जनक परितापा, गुरु पद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि न सन आयुषु मांगा। बस यही बाकी राजाओं में और भगवान के चरित्र में भेद है, सब राजाओं को स्वयं के ऊपर भरोसा, पर कोई दुर्गा को कोई गणपति को मना रहा है, अब एक जना मना रहा है कि मैं धनुष मेरे से टूट जाए हे गणपति, और 99 कह रहे हैं कि इससे ना टूटे, अब बेचारे गणेश किसकी माने, और जब इनसे नहीं टूटता तो ये सोचते हैं किसी और से भी ना टूटे, और भगवान सबको प्रणाम करते हैं, वो बड़े सहज हैं, ना उत्साह है और ना निराशा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी,
मनई मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी महेश जी को भगवान शंकर आपका धनुष है, आप हल्का कर दो। और भवानी को मना रही है कि आपने तो वर दिया है ना मुझे, अपने आशीष को सत्य सिद्ध कर दो। दिशाएं धन्य हो गई, सबको लग रहा है कि ये धनुष टूट जाए। ये तो मोह का पिनाक है, मन मुखियों से नहीं टूटता, लेकिन जब गुरु मुख खड़ा हो जाता है तो ये मोह का पिनाक टूट जाता है। सियाई विलोक तक्यो धनु कैसे चितवत गरुड़ लगू। प्रणाम किया है कि धनुष से कहा है कि धनुष आप हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। धनुष बोले मैया मैं क्यों हल्का हो जाऊं, भरी सभा में मैं कैसे हल्का हो जाऊं। मैया ने कहा कि देखो सबसे बड़ा वजन गरूर का होता है। किसका होता है? गरूर, आदमी का अहंकार, अभिमान का वजन। और देखो धनुष आप अभिमान हो, किसी दूसरे को तोड़ने के लिए चलते हो, और आज आपको टूटना होगा। जब आप किसी दूसरे को तोड़ते हो वो उचित नहीं है। आज मैं और मेरे राम का मिलन तभी होगा जब तुम टूटोगे। इसलिए गुरूर टूटता है तभी भगवान के साथ मिलन होता है। और गुरूर मन मुखियों का नहीं टूटता, गुरूर तो गुरु मुखियों का टूटता है। लय त चढ़ावत खैचत गाणे काहू न लखा देख सब टाणे तेही चन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोले सियावर राम चंद्र की भरे भुवन घोर कठोर टूटा है। और वहां जानकी जी पुष्पमाला लेके धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ी हैं, और भगवान राम खड़े हैं। रघुवंशी हैं इसलिए झुक नहीं सकते। कैसे होगा? मैया ने कहा लखन भैया जिधर मैं खड़ी हूं उधर की भूमि ऊंची कर दो, और जिधर राम जी खड़े हैं उधर की भूमि नीची कर दो। तो मन ही मन लखन बोले मैया जरा भी हिला डुला ना तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो ये तो तने खड़े हैं, ये झुकी नहीं रहे। और सारी सारी देवियां मिथिलापुर की देवियां प्रार्थना कर रही हैं